और मीठा मुंह करने के लिए मेरे पास है चिक्की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 6:30 हो गए हैं, मैं छत पे आया हूँ पानी चेक करने के लिए। पानी ना एंड टाइम पे खत्म होता है, पानी टंकी में कम है, ये एंड टाइम पे लुटिया डूबोता। मैं भी मोटर चला देता हूँ। मैं मोटर चला के भूल गया था, वो तो मैंने अलार्म लगा लिया था। अलार्म बजा तब याद आया कि मोटर चला के आया हूँ मैं, यहाँ पे एक्सरसाइज करने में मस्त हो रखा हूँ। सतयुग तेरे का दुआ परम, ये प्राणी दुखी ना हो, दुखी हो बिना ये भगवान को मानने नहीं। और तो अभी ऑफिस में जाने के लिए रेडी हो गया हूँ। तो सुबह टंकी में पानी चला के आया था ना, उसका एक फायदा ये भी हो गया कि रात भर का जो पानी रहता है ना टंकी में बहुत चिल्ड होता है, लेकिन जो ताजा पानी होता है ना वो इतना ठंडा नहीं लगता। पानी कम ठंडा लग रहा था इसलिए एक बाल्टी ज्यादा में नहाया हूँ मैं। तो अभी ऑफिस पहुंच गया हूँ, अभी कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट बिल्कुल सिंपल, खिचड़ी और दही। इतना जबरदस्त टेस्ट आ रहा है ना, गजब। ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब जा रहा हूँ ऑफिस में, और लंच आएगा मैस से। लेकिन लंच वाले अंकल जी को टाइम से कॉल करनी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अलार्म लगा लूँ 10:30 बजे का कि मेरे को कॉल करनी है मैस वाले अंकल जी को। तो अभी मेरे सारे सीनियर सर नीचे मीटिंग में गए हैं, वहाँ पे डिस्कशन होता है कि भाई किसको क्या काम दिया है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है उस काम में। आधे घंटे की मीटिंग होती है, और मेरे को तो एक प्रोजेक्ट दे रखा है, उस आज कोशिश करूंगा वो कम्प्लीट ही हो जाए, क्योंकि कल की छुट्टी है। और फिर छुट्टी के बाद है ना याद ही नहीं रहता कि कितना काम हो गया है, कितना रहता है, कौन सी चीज कहाँ से ली थी। मैं आज एक टिफिन नहीं लाया जिसमें मेरे फेवरेट लड्डू थे। इवन मैं एक बार दोबारा मैच में ऊपर जाके चेक करके आया, कहीं मैं ऊपर तो नहीं भूल आया हूँ, लेकिन वो रूम पे भूल के आया हूँ। जिस मैस से मेरा लंच आता था आज वो मैस बंद है। सिक्योरिटी वाले के पास जाके दूसरे मैस वाले का नंबर लेके फिर उनको कॉल करके लंच मंगाऊंगा अपना। लंच करके आ गया हूँ मैं, दोनों टिफिन में मैंने डिफरेंस देखा। ये टिफिन वाला आज जल्दी ले आया, लेकिन खाना थोड़ा ठंडा था। उस टिफिन में आती है 4 रोटी, इस टिफिन में थी 5 रोटी। कल की तो छुट्टी है, उससे नेक्स्ट डे टिफिन चल रहा है। बेशक से थोड़ा लेट आता है लेकिन खाना गर्म देता है, मैं उसको ही कंटिन्यू करूंगा। तो फिलहाल तो काम को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली रूम पे पहुंच गया हूँ मैं। पूना में है ना पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाता है, क्योंकि रोड पे इतना जाम होता है, ऊपर से आपको भूख लग रही है, आप लेट हो रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो अभी ऐसा ही कुछ सीन था, रोड पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था और भूख क्यों लगी हुई थी उसका तो सीधा सीधा रीजन है, क्योंकि मैं ये लड्डू वाला बॉक्स रूम पे भूल गया था, सामने रखा है बिल्कुल। रूम पे आ गया मैं, थोड़ा रेस्ट करने लग गया था। छुट्टी बाद में आती है, आलस पहले आ जाता है। माइंड इतना रिलैक्स है कि कल कुछ नहीं करना, रेस्ट करना है। अभी खाना खाने जा रहा हूँ, और आज तो मैं खाना बाहर खा के आऊंगा, लेकिन कल मॉर्निंग में कोशिश करूंगा मैं रूम पे ही खाना बनाऊं। एक कोइंसिडेंस बताता हूँ, जब भी मैं मैस पे घिया बूरा ले जाना भूल जाता हूँ ना, उस दिन मैस में ज्यादा तिखी सब्जी बनती है। आज भी मैं भूल गया हूँ घी और बूरा लाना, आज देखूंगा कैसी सब्जी मिलेगी। लास्ट में मेरे को लाल मीठी चटनी लेनी पड़ी, तो समझ ही गए होगी कि कितना तीखा लग रहा था। इन वो मीठी चटनी भी ना, एक बार ऐसा लग रहा था कि इसमें भी तो मिर्च नहीं डाल रखी है। थोड़ा सा मीठा मुंह करना पड़ेगा, और मीठा मुंह करने के लिए मेरे पास है चिक्की। चिक्की क्या है? तो चिक्की है गज्जक। गज्जक को कई जगह पे चिक्की बोलते हैं, अच्छा नाम है। तो अभी सारे काम फिनिश हो गए हैं, अब रेस्ट करूंगा और आज तो लंबी नींद लूंगा।